आज हम करेंगे प्रैक्टिस फॉर यूजर मैनेजमेंट। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एक यूजर होता है, जो सुपर यूजर होता है, जिसको सारा सिस्टम का सारा कंट्रोल होता है एंड कैन रन एनी कमांड विदाउट रिस्ट्रिक्शन। वो बिना रिस्ट्रिक्शन के सारी कमांड रन कर सकता है। और यूनिक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें एट ए टाइम मैनी यूजर्स कैन लॉग इन एंड कैन वर्क एट द सेम टाइम। तो हम हर यूजर को एक अकाउंट देते हैं, जितने भी यूजर होते हैं सबका अलग अलग अकाउंट क्रिएट करते हैं। ये काम होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे का। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सुपर यूजर होता है, जो कि यूजर का अकाउंट क्रिएट करना, उसको सारी एक्सेसिबिलिटी, उसके ग्रुप बनाना, उसको ऐड करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, जितने भी सिस्टम से रिलेटेड एक्शंस होते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करता है। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का अकाउंट क्रिएट करेगा और उसको ग्रुप में भी ऐड करेगा, क्योंकि जनरल यूजर को लिमिटेड एक्सेस होता है, क्रिटिकल फाइल्स और डायरेक्टरीज का सारा एक्सेस नहीं होता है। वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है जिसको सिस्टम का पूरा कंट्रोल होता है। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कैन ऐड यूजर, मॉडिफाई, डिलीट, और इसी तरह कैन ऐड यूजर, मॉडिफाई ग्रुप, कैन ऐड ग्रुप्स, मॉडिफाई ग्रुप एंड डिलीट ग्रुप। तो सबसे पहले हमारा प्रैक्टिकल है यूजर मैनेजमेंट। तो हम यूजर मैनेजमेंट देखेंगे। यूजर अकाउंट क्रिएट करना, तो उसके लिए कमांड है यूजर ऐड। तो यूजर ऐड कमांड से यूजर अकाउंट क्रिएट होगा, उससे कौन कौन सी फाइल्स इफेक्ट होंगी, ईटीसी पासवर्ड, ईटीसी शेडो, ईटीसी ग्रुप एंड ईटीसी ग्रुप शेडो। ये चार फाइलें जो हैं वो इससे प्रभावित होंगी। इन फाइलों की डिटेल हम आगे देखेंगे। तो जब यूजर सुपर यूजर अकाउंट क्रिएट करेगा और उसके बाद क्रिएट एंड पॉपुलेट ए होम डायरेक्टरी फॉर द न्यू यूजर। उस जब अकाउंट क्रिएट होंगे तो न्यू यूजर की होम डायरेक्टरी भी क्रिएट होगी। फिर उसकी परमिशन सेट करेंगे, परमिशंस एंड ऑनरशिप टू द होम डायरेक्टरी, कि यूजर को कौन कौन सी परमिशंस होंगी। तो कमांड का सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले कमांड नेम यूजर ऐड, फिर ऑप्शंस, ये ऑप्शनल है, ये अभी देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन है, देन यूजर का नेम। व्हेन वी क्रिएट न्यू यूजर इट इज लॉक्ड स्टेट, टू अनलॉक दैट यूजर नीड टू सेट पासवर्ड फॉर दैट अकाउंट। जब भी हम अकाउंट क्रिएट करेंगे वो लॉक स्टेट में होगा और उसको अनलॉक करने के लिए उसका पासवर्ड सेट करेंगे। ये काम कौन करेगा, सुपर यूजर। तो जो ईटीसी पासवर्ड फाइल है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। यूजर एड स्टूडेंट वन, अभी अपने ने कोई ऑप्शन नहीं दिया, बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है सारे। तो यूजर ऐड कमांड है और यूजर का नाम क्या है, स्टूडेंट वन। क्रिएट्स यूजर होम डायरेक्टरी विद यूजर नेम, इस यूजर के नाम से होम डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। अब हम होम डायरेक्टरी अगर चेंज करना चाहते हैं तो ऑप्शन होगा माइनस डी। सपोज हम होम डायरेक्टरी सीएस थर्ड ईयर का ग्रुप बना रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं, तो हमने एक फोल्डर डायरेक्टरी बना दी सीएस और उसमें एक डायरेक्टरी बना दी ईयर थर्ड, उसमें हम सारे स्टूडेंट्स का अकाउंट डालेंगे। तो होम डायरेक्टरी चेंज करने के लिए ऑप्शन क्या होगा, माइनस डी यानी डायरेक्टरी, फॉरवर्ड स्लैश जो भी आपका पाथ है, जो डायरेक्टरी देना चाहते हो, देन यूजर का नेम। अगर हम यूजर को माइनस यू ऑप्शन देके यूजर आईडी भी अपनी कस्टमाइज कर सकते हैं, अगर हम नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट यूजर आईडी जनरेट हो जाएगा। इफ यू वांट टू चेंज दैट डिफॉल्ट यूजर आईडी तो ऑप्शन है माइनस यू और देन यूजर आईडी जो आप चाहते हो, देन यूजर का नेम। अब ग्रुप नेम भी अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो माइनस जी ऑप्शन, माइनस यू फॉर यूजर आईडी, माइनस जी फॉर ग्रुप आईडी फॉर स्टूडेंट वन। अगर हम जो अकाउंट क्रिएट किया है उसकी एक्सपायरी डेट सेट करना चाहते हैं, सपोज जो मैंने अकाउंट बनाया थर्ड ईयर का, आप लोग जुलाई में पास आउट हो जाओगे तो देयर इज नो यूज ऑफ दैट अकाउंट, तो मैं एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हैं हम, तो माइनस ई फॉर एक्सपायरी डेट,
कि इस डेट के बाद ये अकाउंट्स क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाएंगे. सिमिलरली वी कैन सेट शेल फॉर दैट यूजर अकाउंट. आपके लिए मुझे बिन स्लैश एस सेट शेल जो है वो सेट करनी है, तो ऑप्शन होगा माइनस एस. ये है यूजर एड की कमांड एंड ऑप्शंस. यूजर को मॉडिफाई करना है तो यूजर एमओडी, यूजर मॉडिफिकेशन, देन ऑप्शंस, देन यूजर नेम. सिमिलरली वही सारे ऑप्शंस हैं जो यूजर एड में होते हैं. डी फॉर होम डायरेक्टरी, अगर आप होम डायरेक्टरी चेंज करना चाहते हो. ई फॉर अकाउंट्स एक्सपायरी डेट सेट करना. एफ फॉर सेट पासवर्ड इनएक्टिव आफ्टर एक्सपायरेशन. अब आप उसको पासवर्ड को इनएक्टिव करना चाहते हो तो माइनस एफ. जी माइनस जी फॉर यूज ग्रुप एज न्यू प्राइमरी ग्रुप. हम ग्रुप चेंज करना चाहते हैं, प्राइमरी ग्रुप जो है वो चेंज करना चाहते हैं, देन माइनस जी, देन ग्रुप नेम. माइनस ए फॉर अपेंड द यूजर टू द सप्लीमेंटल ग्रुप मेंशन्ड बाय माइनस जी ऑप्शंस विदाउट रिमूविंग फ्रॉम अदर ग्रुप्स. कि आप दूसरे ग्रुप को हटाए बिना एक और ग्रुप ऐड करना चाहते हो तो अपेंड माइनस ए. माइनस एल न्यू वैल्यू ऑफ द लॉगिन नेम. आप नाम चेंज करना चाहते हो लॉगिन. माइनस स्मॉल एल फॉर लॉगिन, कैपिटल एल फॉर लॉक द यूजर अकाउंट. सपोज कोई यूजर है उसका आपको अकाउंट को लॉक करना है फॉर सम टाइम, तो माइनस एल ऑप्शन. माइनस एम मूव कंटेंट ऑफ होम डायरेक्टरी टू न्यू लोकेशन. मूव करना कि आपकी होम डायरेक्टरी दूसरी बनानी है आपको, तो माइनस एम. एस फॉर लॉगिन शेल. पी फॉर यूज इनक्रिप्टेड पासवर्ड फॉर न्यू पासवर्ड. आपको पासवर्ड जो इनक्रिप्टेड करना है तो माइनस पी. माइनस स्मॉल यू फॉर यूजर आईडी, कैपिटल यू, कैपिटल एल फॉर लॉक, कैपिटल यू फॉर अनलॉक. तो ये आप प्रैक्टिकल करके देखना सारे ऑप्शंस के साथ. एग्जांपल ले लें. यूजर मोड इज कमांड. माइनस जी फॉर एड ग्रुप. कोई एग्जिस्टिंग यूजर है, सपोज स्टूडेंट वन है, उसको मल्टीपल ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं. दो ग्रुप हैं, जीपीसी चूरू एंड सीएस. देन आई वांट टू ऐड दिस स्टूडेंट टू बोथ द ग्रुप, तो माइनस जी, कैपिटल जी. एल फॉर न्यू लॉगिन नेम. सपोज रोहन, दिस इज ओल्ड नेम, ओल्ड नेम रोहन था, उसको मेरे को स्टूडेंट वन करना है. देन माइनस एल फॉर चेंज लॉगिन नेम. तो रोहन का जो नाम था वो अब क्या हो जाएगा, स्टूडेंट वन. ऐसे ही ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप चेंज करना है कि स्टूडेंट वन का जो ग्रुप था वो प्राइमरी ग्रुप जो भी था, जीपीसी चूरू था, उसको मेरे को क्या करना है, पॉलिटेक्निक करना है, तो माइनस जी. यूजर मोड कैपिटल एल फॉर लॉक. ये कमांड क्या करेगी, स्टूडेंट वन के अकाउंट को लॉक कर देगी. डिलीट करना, ये तो था यूजर मॉडिफाई करना, यूजर डिलीट करना. यूजर डिलीट डेल, यूजर डेल, दिस इज कमांड. ऑप्शंस देन यूजर नेम. ऑप्शन वही है. माइनस एफ फॉर फोर्सफुली रिमूव द यूजर इवन इफ द यूजर इज स्टिल लॉग्ड इन. अगर हम ऑप्शन नहीं देते हैं और यूजर नेम से जो यूजर है डिलीट किया उस अकाउंट को, तो वो डिलीट नहीं होगा अगर यूजर लॉग इन है. तो हमें फोर्सफुली लॉग इन अकाउंट को डिलीट करना है, उसके लिए ऑप्शन होगा माइनस एफ. माइनस एच डिस्प्ले हेल्प मैसेज एंड एग्जिट. माइनस आर डिलीट यूजर एंड रिमूव यूजर्स होम डायरेक्टरी एंड एसोसिएटेड मेल फाइल्स. अगर माइनस आर ऑप्शन लेंगे तो उसकी होम डायरेक्टरी भी डिलीट हो जाएगी, उससे रिलेटेड जितने मेल्स होंगे वो भी डिलीट हो जाएंगे. तो ये एक कमांड, दो कमांड बताई है यहाँ पे, और बाकी आप ऑप्शंस के साथ प्रैक्टिस करना. यूजर डेल स्टूडेंट वन, स्टूडेंट वन का अकाउंट डिलीट हो जाएगा. अगर माइनस आर करेंगे तो उसकी होम डायरेक्टरी और जितने भी एसोसिएटेड मेल्स है सारे डिलीट हो जाएंगे. इसी तरह सुपर यूजर कैन ऐड ग्रुप, उसके भी वही ऑप्शंस हैं. तो आपके प्रैक्टिकल में यूजर का है, बाकी आपके पास टाइम हो तो आप ग्रुप के लिए भी कर सकते हैं. सेम ही है, बस यूजर की जगह क्या आ जाएगा, ग्रुप. थैंक यू.